एनसीपी के नगर सेवक हीरा पाटिल के घर में हुई चोरी, नकदी गहनों पर चोरों ने किया हाथ साफ। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। खरडी रोड स्थित एनसीपी के नगर सेवक हीरा पाटिल के बंगले में चोरी की घटना सामने आई है। हीरा पाटिल ने बताया कि 31 अगस्त को मुम्बरा में अपने ससुराल आए हुए थे पूरे परिवार के साथ और खरडी रोड उनके बंगले पर कोई नहीं था। रात के समय चोरों ने बंगले के पीछे ग्रिल काट कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हीरा पाटिल के मुताबिक 1 सितंबर को जब सुबह वो अपने बंगले पर पहुंचे तो घर का नज़ारा देखकर दंग रह गए। घर की महिलाओं के सोने के जेवर 2 लाख रुपए कैश पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। बंगले पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे जिसकी वजह से चोरों की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आ पाई। हीरा भाई, क्या क्या आपके यहाँ से चोरी हुआ है? चोरी तो पैसा और जेवरात चोरी हुआ है। क्या क्या जेवर में क्या क्या थे? जेवर में लेडीज लोग का मंगलसूत्र, कान का बाली और चूड़ियाँ है, ये सब हो गया। बाकी का भी कैश कितना है? कैश 2 लाख का ये किया है। एक्चुअली कल फिंगर वाले आए थे, डॉग स्कॉट आया था, तो तभी हम लोग हाथ ही नहीं लगाया। एक्चुअली अभी वापस से ये सब देख के एक कितना है वो भी वापिस दे देंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन। फिर भी अनुमानित कितना? 2 लाख का है और 11 तोला सोना है। अच्छा, हालांकि मेरे को, मैं यहाँ पे 23 साल हो गया आया हूँ। जब आया बहुत विश्वास के साथ में यहाँ पे रहता था और विश्वास के साथ में ही लोग थे, मगर आजकल में इतने, मतलब पहली बार ऐसा घटना, पहली बार 23 साल में पहली बार हुआ है। कभी कुछ रहेगा तो भी लेके नहीं जाते, इतना विश्वास था। मेरा एक ऐसा घर है, मैं 3 बार नगर सेवक होने के बावजूद भी मेरे घर में जो भी कोई भी आता है घर पे आके चला जाता है, किचन तक सबको एंट्री था। मेरे पराया नाम की चीज़ ही नहीं थी। मेरे ख्याल से आज जो हिसाब से मेरा चोरी हुआ है, ये सब जानकारी वाला आदमी कोई तो है, ऐसा उसमें लगता है। अच्छा, घटना कब हुई है ये चोरी की? ये कल मैं रात को मेरे ससुराल गया था मुम्बरा में बच्चों लोग के साथ में, और सुबह में आके देखा तो यहाँ पे सब सामान बिखरा पड़ा हुआ था। फिर देखा, फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई था नहीं घर में? कोई घर में नहीं था। पुलिस को बुलाने के बाद में उन्होंने देखा। आज आप लौट कर जब आए तो देखिए ये घटना? हाँ, नहीं कल सुबह लौट के आया तभी देखा। पुलिस लोग को देखने के बाद में पूरा दिन पुलिस लोग का आना जाना भी रहा है, और लोग को उनके हिसाब से ट्राई भी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है पुलिस, मामला दर्ज हुआ है पुलिस इसका जो भी चोरी और चोर लोगों को पकड़ेंगे। हालांकि चोरी की घटना की शिकायत पुलिस में हीरा पाटिल ने की है और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।